वैदिक मंत्रोच्चार व भजन कीर्तन के साथ ही बागनाथ मंदिर परिसर में गणेश महोत्सव शुरू हो गया है। बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक अक्षय कौंडे ने महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बागेश्वर जनपद वासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। गणेश महोत्सव आयोजकों ने सभी के कल्याण की कामना करते हुए लोगों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि गणेश महोत्सव में प्रतिदिन भजन कीर्तन व विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाएगी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भगवान बागनाथ जी के प्रांगण में 2013 से गणेश महोत्सव का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर रस्तोगी परिवार, ये वर्मा जी लोग सभी बागेश्वर के मिलकर सम्मिलित होकर इस कार्य को कर रहे हैं। तो आज वैसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, आज ही का दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था और इसका इतना महत्व है कि सारे देवताओं में गणेश जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो कोई भी पूजा होती है तो उसमें सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो इसलिए आज हम धन्य हैं, पूरे बागेश्वरवासी धन्य हैं कि यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान गणेश जी का पूजन किया जा रहा है। अभी एसपी साहब आए थे और कई कार्यकर्ता जुड़ते रह रहे हैं। हर साल इसकी जो है उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, तो आगे भी इसको हम भव्य रूप देंगे, ऐसा समस्त नगरवासी ये बोल रहे हैं कि आगे भी हम इसको भव्य रूप देंगे। एक बागेश्वर गणेश महोत्सव समिति द्वारा गणेश महोत्सव का आयोजन आज हमारे ये 10वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। हमारा उद्देश्य है कि इसको भव्य रूप में करने का, लेकिन अभी तक हमें वो कामयाबी नहीं मिल पाई। हमारा प्रयास ये रहे कि इसको इस ढंग से किया जाए जैसे मुंबई में होता, हर घर से एक मूर्ति आए और हर घर में एक मूर्ति की, गणेश जी की स्थापना हो। अभी इस साल हमें लगा है कि हमारे प्रयास थोड़ा थोड़ा फलीभूत हो रहा है, क्योंकि अब हर कोई अपने घर में गणेश जी की मूर्ति बैठा रहा है। इस बार 4-5 लोगों ने प्रयास किया है, मुझे लगता है अगली बार 10-12 होंगे। इस ढंग से हमारा ये बढ़ते जाएगा और मैं गणेश जी की स्थापना हो गई है, इसका उद्घाटन हमारे एसपी महोदय बागेश्वर ने किया। मेरा ये कहना है कि गणेश जी सबको सद्बुद्धि दे, सबका भला हो, पूरे क्षेत्र का भला हो। स्पेशली बागनाथ मंदिर समिति द्वारा जो गणेश पूजा और गणेश की प्राण प्रतिष्ठा की, ये बहुत खुशी की बात है कि बागेश्वर में भी गणपति विराजमान है और सिमिलर सेलिब्रेशन जनपद में बिलोना हो या गरुड़ हो उस एरिया में भी हो रहा है। मेरे अपने स्वयं के घर पर भी इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक बहुत ही अच्छा ऑस्पिशियस ओकेजन होता है जब ये सेलिब्रेशन हो रहा है और इस आपके माध्यम से इस मौके पर मैं संपूर्ण पूर्ण बागेश्वर वासियों को गणेश चतुर्थी तथा गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं खुद चाहता हूं कि स्कूल के बच्चे हो या परिवार के सारे लोग हो, वो इस उत्सव में सम्मिलित हो और इसको जोरों शोरों से शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।